गुजरांवाला से खबर शामिल करते हैं, जहां पर चर्च ऑफ द फोर स्क्वायर गॉस्पल इन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इलाका इंचार्ज पास्टर परवेज मसीह के ज़ेरे इंतजाम नवाब कोहलवाला में एक रोज़ा इबादत का खसूसी इनेकाद किया गया। क्लीसियाई अराकीन ने भरपूर शिरकत की। क्वायर परस्तारों ने जबूर गीत गा कर खुदा की खूब हमदो सना की। बच्चों ने वेलकम के गीत गाए। इस मौका पर नसीहत और वसीयत के मौजू पर खसूसी खिताब करते हुए चेयरमैन इब्तदाई रसूली क्लीसिया ऑफ पाकिस्तान पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने कहा कि वफादार ताबे फरमान औलाद और शागिर्दों की पहचान है कि वह अपने वालदैन उस्ताद कराम की नसीहत और वसीयत को मानते और पूरा करते हैं। हमेशा कामयाबी उनकी होती है जो अहकामात खुदाबंदी पर अमल करते और फिर आगे पढ़ाते या सिखाते हैं। जिंदगी में तलखियाँ खुदा से दूरी और वालदैन के हुक्म अदौली की वजह से होती हैं। प्रोग्राम में पास्टर अयूब रजा, पास्टर आमिर बुट्टा, पास्टर यूनस मसीह, पास्टर अक्रम मसीह, मुबशर अदनान गोरी, डॉक्टर दानिश परवेज, सिस्टर सूफिया परवेज, तहमीना यूसुफ, एल्डर यूसुफ, एल्डर आइजक ने शिरकत, दुआ परस्तिश की। लोगों के खुदा के साथ रफाकत की बहाली की, मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली, बीमारियों की शिफा के लिए दुआ की गई। बरकात कलमात पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने अदा किए। दूसरी तारीख अंदर में बाप का मुताले करिए कि ओदे विच एक नबी नु आसा बादशाह वल भेजा गया और ओदे नु आसा बादशाह वल भेजा गया और आसा बादशाह नु जाके क्या आख्या क्या बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल बगैर सच्चे खुदा बगैर सिखाने वाले कहन और बगैर शरीयत के रहे हैं। एदा मतलब खुदा है और लोग ओदे बगैर चल रहे हैं। उस्ताद है पर लोग उस्ताद के बगैर चल रहे हैं। शरीयत है पर लोग शरीयत के बगैर चल रहे हैं। है वो भी इतने ही ऐवें कही हमने लिखा जदों ओ खुदा के तालब होंगे ते खुदा उन्हां वल आएगा उन्हां नूं मिल जाएगा पर जदों रद्द करनगे ते खुदा उन्हां नूं रद्द कर देगा। हर एक दे नाल खुदा